टॉकिंग अबाउट यूसाना, व्हाट इज यूसाना, यूसाना क्या है दोस्तों? अगर हम लोग यूसाना की बात करें ना, मैं इसके कुछ बुलेट्स पॉइंट की बात करना चाहूंगा। अगर हम लोग यूसाना के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करें, ये 1 घंटा भी हमारे लिए छोटा पड़ जाए। तो हम कुछ हाईलाइटेड पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वी आर रिकॉग्नाइज सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक रिकॉग्नाइज सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी है। ग्लोबल मार्केट में हमारी एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग है। वी एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1992। हम लोग एस्टैब्लिश किए थे दिस ऑर्गेनाइजेशन को 1992 पे। हम लोग अगर मैं कह रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं यूसाना को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो 1992 से ये कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट यूसाना इज द फादर ऑफ बाइनरी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जो बाइनरी का, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है कोई भी कंपनी के साथ, यूसाना इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने बाइनरी कॉन्सेप्ट की शुरुआत की हुई थी। एंड हमारे और कुछ यूएसपी की बात करें तो 4,000 से ज्यादा ग्लोबल लेवल के एथलीट्स हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट एथलीट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लोकल एथलीट्स। जो एथलीट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, दोस्त आर गोल्ड मेडलिस्ट, दोस्त आर सिल्वर मेडलिस्ट, दोस्त आर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। हमारा एक वेबसाइट है दोस्तों, www.usanaathletes.com। इस वेबसाइट में अगर आपको जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यूसाना एकमात्र कंपनी है जिसके प्रोडक्ट 4,000 से ज्यादा ग्लोबल लेवल के एथलीट्स कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारी मार्केट कैप क्या है, पिछले साल हमने कितना का बिजनेस किया हुआ था दोस्तों। पिछले साल की हमारी जो 23-24 की जो क्लोजिंग रही थी, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग थी, $1 बिलियन। इसको अगर मैं इंडियन रुपीस में कैलकुलेट कर लूँ ना, तो यकीन मानिए 8,000 करोड़ का बिजनेस लास्ट ईयर पे यूसाना ने किया हुआ था मात्र 24 देशों पे। वी आर पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से कम गिने चुने ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, एंड वी आर वन ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो 24 देशों पे हमने सक्सेसफुली बिजनेस को रन किया हुआ है। और हमारा यूनिकनेस ये है कि हमने जो भी कंट्री में एंटर किया हुआ है, कोई भी कंट्री में हमारा ऑपरेशन बंद नहीं है। तो हमारे जो 30 साल का जो कोई कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। हमारे पास पेटेंटेड इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, एंड इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका था, ग्लोबल रैंकिंग में डीएसएन, एज पर द डीएसएन रैंकिंग, वी आर द टॉप 15 बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर लीडर्स इन द डायरेक्ट सेलिंग ऑफ एसोसिएशन एंड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यहाँ पर भी हम लोग लीडरशिप करते हैं। बात करते हैं अभी इस कंपनी की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई। द पर्सन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ही इज द फाउंडर बिहाइंड यूसाना। दिस इज द पर्सन जिन्होंने यूसाना की शुरुआत की हुई थी। ही इज नन अदर देन डॉक्टर मायरन वेज। आप इनके नाम के आगे जो डॉक्टर देख रहे हैं ना, ये बाय प्रोफेशन से एक साइंटिस्ट है। इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजिस्ट में, इम्यूनोलॉजिस्ट में, एंड इनकी खुद की एक लैब इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था इन द ईयर ऑफ 1974 पे, गर्ल लेबोरेटरीज के नाम। इन्होंने अर्ली स्टेज में ना, ही लॉस्ट हिज फादर एंड मदर एट द एज ऑफ 17। ही लॉस्ट हिज फादर ड्यू टू हार्ट अटैक। ही लॉस्ट हिज मदर आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ड्यू टू कैंसर। तो इनका बचपन से सपना था कि ये लोगों को अर्ली स्टेज पे ना डेथ होना नहीं देखना चाहते। तो इन्होंने सेल्यूलर हेल्थ के ऊपर रिसर्च करना बहुत शुरू कर दिया था सिंस 1974 से ही। बट अगर बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, वो डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट किए इन 1992 में, और हमारे काफी यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ। हमारे सारे प्रोडक्ट दोस्तों पेटेंटेड है, हमारे सारे प्रोडक्ट अपने खुद के फॉर्मुलेशन है, सारे प्रोडक्ट्स हमारे कंपोजिशन हमारे खुद के होते हैं। हम मार्केट का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। यूसाना अपने प्रोडक्ट, अपने साइंस के प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है, एंड अपने प्रोडक्ट के यूनिकनेस के कारण जानी जाती है। इनको अगर मैं दोस्तों कुछ खासियत की बात करूँ, ये बहुत सारे अवार्ड्स एंड इनको बहुत सारे ऑनर्स मिला हुआ है। जैसे कि हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड, ये अवार्ड इनको मिला हुआ था फॉर द अचीवमेंट ऑफ लाइफ साइंस इन द ईयर ऑफ 2007 में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे इनको अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन मिले हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने 3 बुक भी लिखा हुआ है। ही इज द ऑथर ऑफ ए माउथ ऑफ फुल पॉइजन, इनविजिबल मिराकल। साथ ही साथ इन्होंने और एक बुक लिखा हुआ है, द हेल्दी होम। उसके साथ दोस्तों बात करूं तो ये बिजनेस करने के साथ साथ ना बिलीव करते हैं लोगों को सर्व करने में भी। इनके बहुत सारे मर्सी सेंटर्स हैं।
बहुत वेंज मेडिकल्स के नाम से, जहां पर ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट एंड फूड प्रोवाइड करते हैं। जिस जिस कंट्री में, जिस जिस एरियाज में अगर मैं बात करूं, लोग सफर कर रहे हैं बीमारियों से, लैक ऑफ मनी के कारण ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये अपने खुद के वेंच मेडिकल सेंटर में या जितने इनके मर्सी सेंटर हैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को भी एंड ओल्डर एज पीपल्स को भी। आप फोर्थ रो पे देख सकते हैं, नेपाल में भी इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है काठमांडू वैली में, जो कि वेरी सुन नेपाल में भी एक वेंच मेडिकल यानी कि मर्सी सेंटर वहां पर भी स्टार्टअप होने जा रही है, जहां पर ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली। उसके साथ दोस्तों, दिस इज द आप देख सकते हैं मार्केट जहां पर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। वी स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम अमेरिका, देन वी एंटर टू कैनेडा, देन ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, देन हांगकॉन्ग, देन चाइना, देन जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मैक्सिको, मलेशिया, फिलीपीन, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, स्पेन, रोमानिया, इटली एंड इंडिया। फाइनली वी एंटर इनटू द इंडिया। मैं इस सारे कंट्रीज के नाम क्यों ले रहा हूँ, इस सारे कंट्री का नाम लेने के पीछे एक ही रीजन है दोस्तों, हमें प्राउड फील होती है यूसाना जो मार्केट पे गई है, आज तक अपना ऑपरेशन बंद नहीं किए। बहुत से कंपनीज है दोस्तों जो हैपेजर्डली एंटर कर जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको बिजनेस वहां पर शट डाउन करना पड़ता है, उस मार्केट को उन्हें क्लोज करना पड़ता है। बट प्राउडली वी कैन से 25 मार्केट यूसाना कहीं पर अपना ऑपरेशन बंद किया हुआ है, सक्सेस रेशियो इनकी काफी बढ़िया है। अगर मैं बात करूं, यूसाना फिलीपीन में सबसे ज्यादा टर्नओवर जनरेट करने वाली कंपनी है, यूसाना को फिलीपीन में नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ द कंट्री का अवार्ड मिल रहा है। डाइटरी सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं ना, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनली भी जितने भी कंपनीज वहां पर सप्लीमेंट में काम करते हैं उन सारे कंपनीज को मिलाकर यूसाना नंबर वन कंपनी है डायटरी सप्लीमेंट्स। उसके साथ बात करूं तो हमारे हमारे जो मैग्नेकल डी है, यू कैन सी ऑन माय हैंड, ये मैग्नेकल डी को जापान में बेस्ट कैल्शियम ऑफ द कंट्री का अवार्ड मिला है। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हमारे सारे प्रोडक्ट्स के इम्पैक्ट जो है ना अलग लेवल के हैं। सो वी आर रियली प्रिविलेज कि हमें इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डे वन में एसोसिएट होने का मौका मिला हुआ है। आज अगर मैं यूसाना की सक्सेस के पीछे का सीक्रेट्स की अगर बात करूं तो ये सीक्रेट्स होती है यूसाना की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम चार वैल्यू के ऊपर वर्क करते हैं ना, ये वैल्यू हमें बहुत बढ़िया एक सस्टेनेबल बिजनेस तैयार करने में मदद करती है। पहला अगर वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वह है एक्सेलेंस। हम कोई भी चीज प्रोवाइड करते हैं, चाहे ये हमारे सर्विसेस हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट हो, चाहे ये हमारे एनीथिंग रिलेटेड टू यूसाना हो, हम ना तो गुड सर्विस देना पसंद करते हैं, ना तो बेस्ट, ना तो बेटर। एवरीथिंग वी वॉन्टेड टू प्रोवाइड एक्सेलेंस, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हो, उसके पैकेजिंग हो, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, कंपेंसेशन हो, एवरीथिंग यू विल सी एक्सेलेंस। आपको फील होगा कि यस यू विल फील प्राउड कि यार कंपनी इतनी एक्सेलेंस चीजें कैसे रख सकती है, इन टर्म्स ऑफ प्लान को देख लो, प्रोडक्ट को देख लो, एवरीवेयर। टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, वी रियली डू टॉक केयर अवर टेक केयर अबाउट अवर कम्युनिटी। वेन वी टॉक अबाउट अवर कम्युनिटी, इट मीन्स जितने पीपल्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, पूरा यूसाना फैमिली की बात करूं, चाहे वो एसोसिएट हो, कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, बिजनेसमैन हो, मैनेजमेंट हो, वी डू टेक केयर ऑफ देम। हम उनकी प्रॉपर टेक केयर करने में बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हमारा विजन ही है द हेल्थीएस्ट फैमिली ऑन द प्लैनेट। टॉकिंग अबाउट अवर थर्ड वैल्यू इज अबाउट द हेल्थ। हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हम लोग फिजिकल हेल्थ को तो प्रायोरिटी देते ही है, साथ ही साथ हम प्रायोरिटी देते हैं आपके मेंटल हेल्थ को भी एंड मॉनेटरी हेल्थ को भी, यानी कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं। फोर्थ वैल्यू है हमारी इंटीग्रिटी। आज यूसाना मार्केट में जाने जाती है अपनी इंटीग्रिटी के कारण भी, क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम ऑनेस्टी के साथ वर्क करते हैं। आप कोई भी जगह पर आप यूसाना का देखिएगा, रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो है ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये जो मैंने अपने टेक्नोलॉजी की बात कहा दोस्तों, आप सब ने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए होंगे, जैसे कि ट्रेंडिंग में चल रहा था कुछ समय पहले, आप लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट कंज्यूम किए होंगे, जो कि बॉडी में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आपके बॉडी के सेल को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करे, तो आपको कैसा फील होगा? जी हाँ दोस्तों, एज यू ऑल नोस,
एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द सेल। जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा ब्रेन मुझे कम्युनिकेट कर रहा है आप लोगों से बात करने के लिए, मेरा ब्रेन मुझे कम्युनिकेट कर रहा है हाथ मूवमेंट करने के लिए, चलते वक्त हमें कम्युनिकेट करता है। उसी तरह दोस्तों हमारे बॉडी में मिलियन टू ट्रिलियन अमाउंट ऑफ सेल है। हमारे प्रोडक्ट्स को जब आप कंज्यूम करते हैं ना, ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करती है सेल को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके बेटर रिस्पॉन्स देने के लिए। तो हमारे प्रोडक्ट सीधे सेल पे सेंड होता है, वहां रिसीव होता है एंड एक्टिवेट भी करता है। सो एज यू ऑल नो दोस्तों, ये हम लोग प्रोफेशनल से ऑलरेडी बहुत समय से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे बॉडीज में मिलियंस एंड ट्रिलियंस अमाउंट ऑफ सेल होते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या ऑर्गेन्स में कन्वर्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर क्या सिस्टम में कन्वर्ट होता है, बहुत हर सिस्टम मिलकर क्या एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होता है। तो शुरुआत की दौर कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? सेल से ही शुरुआत होती है। तो ये आपके फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट भी काम करता है एंड हीलिंग एंड रिपेयरिंग्स वगैरह एवरी थिंग्स में आपकी ये वर्क करती है। आप एनर्जेटिक ज्यादा फील करने लगोगे, आप जल्दी ओल्ड एज पे नहीं जाओगे। अगर हमारे फाउंडर की बात करूँ, ही इज 83, लेकिन आप देखोगे कोई फील नहीं करोगे ही इज 83। हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो स्पॉन्सर है कॉलेट लार्सन, सी इज 73। एक 73 ईयर्स की लेडी माउंटेन क्लाइंबिंग करती है, बिलीव करिए, स्विमिंग करती है, रोड ट्रिप पे जाती है, इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यूसाना। उसके बाद दोस्तों हम बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की। देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं यूसाना में। अगर मैं बात करूं, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विद अस। हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है जिसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमारे पास हेल्थ केयर के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पहले इंडिया में हम लोग कितने प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। इंडिया में हम 8 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट यूसाना इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, पहला इंटरनेशनल कंपनी है जो डे वन से प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? इसके मल्टी बेनिफिट्स होने वाले हैं दोस्तों। एक तो प्राइस में इसका इफेक्ट गिरने वाला है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते यूएसए से और इंडिया में सेल करते, तो इसमें आपको कस्टम ड्यूटी की चार्जेस लग जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लग जाते, अदर हिडन कॉस्ट भी लग जाते। बियर कौन करता? आप और हम जैसे पीपल जो बिजनेस करते हैं यहाँ पर, जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को यहाँ पर। बट यूसाना ने एक मास्टर स्ट्रोक ये लिया हुआ है, कोई भी मार्केट में एंटर करने से पहले जैसे मैंने कहा प्रॉपर प्रिपेरेशन, 2018 से लेकर 2023 यानी कि लगभग 6 साल प्रिपेरेशन के बाद कंपनी स्टार्टअप कर रही है। तो कुछ तो यूनिकनेस होगी। दैट इज द ओनली रीजन आई सेड इंडिया में पहली बार कोई कंपनी डे वन से इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रही है एंड वी आर प्राउड टू से दिस पर्टिकुलर थिंग्स टू ऑल ऑफ यू। टॉकिंग अबाउट अवर प्रोडक्ट्स, पहला प्रोडक्ट्स की दोस्तों मैं बात करूं तो ये हमारा कोर एसेंशियल है। ये कोर एसेंशियल्स की अगर मैं खासियत बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम करने से पहले ना आपको ये 5D का फॉर्मुलेशन को जानना बहुत जरूरी है। 5D क्या होता है दोस्तों? 5D की अगर मैं बात करूँ, पहला डी स्टार्ट करता है आपका डाइट से। डाइट मतलब हम खाना क्या खाते हैं, हम कंज्यूम क्या करते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू सर्वाइव हमारे बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी को वाइटामिन, ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन जैसे ए बी सी डी ई के, ये सब रिक्वायर्ड होती है। हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमारे बॉडी की रिक्वायर होती है। तो अगर मैं बात करूँ, हमारे सब चीज की शुरुआत होती है दोस्तों डाइट से। ये 5D का फॉर्मुलेशन के ऊपर पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। पहला डी दोस्तों स्टार्ट करता है डाइट के ऊपर, आपकी डाइट हैबिट क्या है। अगर आपकी डाइट हैबिट खराब है ना, खान पान अगर आपका खराब है, तो आप सेकेंड डी पे एंटर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी। खाना खराब हुआ तो आप सेकेंड डी पे एंटर कर गए, क्या हुआ आपको? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी जब होती है आपको, तो आपको किस चीज पे एंटर करते हैं? थर्ड डी पे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? डिजीज, जिसको आप रोक नहीं सकते। आपको डाइट खराब हुआ, अब डेफिशिएंसी हो गए, डेफिशिएंसी के कारण आप तीसरा डी पे आ गए डिजीज के ऊपर। तीसरा डी पे जब आप एंटर करते हो तो आप चौथा डी पे ऑटोमेटिकली चले जाते हो, जिसको हम लोग कहते हैं डिजीज होते ही हम जाते हैं किसके पास? डॉक्टर के पास चले जाते हैं। चौथा डी के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर डॉक्टर आपके साथ सक्सेसफुल रहा, कोई क्रॉनिकल है अगर अनसक्सेसफुल रहा, तो होता क्या है? द फाइनल स्टेज इज डेथ। तो दोस्तों हम लोग बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये तीन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डिजीज, डॉक्टर एंड डेथ, बट वी कैन वर्क ऑन डाइट एंड डेफिशिएंसी। वी आर एग्जैक्टली वर्किंग ऑन दैट। हमारे पास दोस्तों ऐसे फूड सप्लीमेंट है जो आपको डेफिशिएंसी में आपको मदद करेगी। तो उसमें पहला प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका कोर एसेंशियल। ये कोर एसेंशियल की खासियत अगर दोस्तों मैं बताऊं, ये एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट विद
मल्टी मिनरल्स विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विथ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जितने, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहूंगा जितने कंपनी के पास आज मल्टी विटामिन है ना, 30 इंग्रेडिएंट्स कॉम्पोजिशन आपको मिलना मुश्किल हो जाएगी। एंड इसकी अगर मैं खासियत की बात करूँ, यहाँ पे आपको विटामिन ए की कमी की दूर करता है, बी की कमी डेफिशिएंसी दूर करती है, सी की डेफिशिएंसी दूर करती है, हर टाइप ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी दूर करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण होता क्या है, हमें आंखों की प्रॉब्लम्स आती है। अभी अगर हम आपसे पूछे कि विटामिन ए की सोर्सेस क्या है, तो आप कहोगे पम्पकिन में मिलता है सर, मैंगोज में मिलते हैं सर, हमें स्वीट पोटैटोस में मिलते हैं विटामिन ए, रिच अमाउंट ऑफ कैरेट में मिलते हैं विटामिन ए। तो द क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम विटामिन ए कंज्यूम कर रहे हैं? आपको पता है हमें हमें नियरली नियरली 1 ग्राम, 1 ग्राम से थोड़ा सा लेस, 960 माइक्रोग्राम विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है एवरी अदर डे। द क्वेश्चन इज दैट कि क्या आप कंज्यूम करते हैं? अगर आप कंज्यूम नहीं करते हैं तो होता क्या है, आपकी आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। तो आप इससे नॉट ओनली विटामिन ए, ऑल टाइप ऑफ डेफिशिएंसी के ऊपर आप फाइट कर सकते हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है वहां पर आपको हर प्रोडक्ट की एक एक अलग से खासियत के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ, सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है बायो ओमेगा। इस ओमेगा की अगर मैं खासियत की बात करूँ, जो आप सेकंड कॉर्नर राइट पे देख सकते हैं, बायो ओमेगा की अगर खासियत की बात करूँ, आज डायरेक्ट सेलिंग में जितने कंपनीज के पास ओमेगा है, हम प्राउडली कह सकते हैं हमारा फिश ऑयल की हम लोग 2000 mg का फिश ऑयल वहां पर क्वांटिटी में देते हैं। अदर कंपनी में 3 से 4 गुना आपको कम देखने को मिलेगा। ईपीए की क्वांटिटी एंड डीएचए की क्वांटिटी जो कॉम्पिटिटर्स कंपनी है ना, 4 गुना ज्यादा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये आपको मदद करती है न्यूरो प्रॉब्लम में, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, यू कैन कंज्यूम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपको न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द ट्राइग्लाइसराइड, यू कैन कंज्यूम दिस प्रोडक्ट। तो बायो ओमेगा आपके कार्डियोवास्कुलर के लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है, इवन आइस के लिए भी आपका एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हमारे पास दोस्तों प्रोफेबेनॉल C200 है, आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं। ये प्रोफेबेनॉल C200 की अगर मैं खासियत की बात करूं, तो ये प्रोडक्ट जो है आपका एक इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, साथ ही साथ आपको रिच ऑफ वाइटामिन सी होने के कारण इम्यूनिटी के साथ साथ आपका ये एंटी ऑक्सीडेंट में भी काम करता है, क्योंकि हमने हायर क्वालिटी का ग्रेप सीड यहाँ पर यूज किया है। जब हम ग्रेप्स की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है ग्रेप्स की जो प्राइस होती है ना, उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बाजार में मिलने वाले ग्रेप्स की बात नहीं कर रहा, अगर आपने कभी वाइन ट्राई किया होगा, देखिएगा रेड वाइन होता है या व्हाइट वाइन जो होता है, ग्रेप्स के क्वालिटी के हिसाब से उसकी चार्ज रहती है। दुनिया की बेहतरीन ग्रेप्स कौन सी होती है दोस्तों? मैं कहूँ काबर्ने सोबेन्यों हो गया, मेरलो हो गया, फिनोनेर हो गया, ये सब दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रेप्स होती है। तो सिमिलरली हमारे अगर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के साथ हम इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के प्रोडक्ट को बनाए हुए हैं, और ये आपका हार्ट के लिए भी मदद करता है, आइस के लिए भी मदद करता है। हमारे पास दोस्तों और एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कोक्विनॉन 100, एंड कोक्विनॉन 100 जो है आपको मदद करती है बेटर विजन के लिए, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये आपकी, सॉरी बेटर विजन कह रहा हूँ, ये आपके सेल्यूलर हेल्थ के लिए आपको मदद करती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में भी आपको काम करती है। हमारे पास दोस्तों है मैग्नेकैल्डी, इसमें अगर बात करूँ तो कैल्शियम सिट्रेट फॉर्म में भी है एंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में भी। आज की डेट में जितने कंपनीज का कैल्शियम के ऊपर काम करता है, या तो सिट्रेट देते हैं या तो कार्बोनेट देते हैं, हमने कॉम्बिनेशन दिया हुआ। इवन हमारे मैग्नीशियम का भी रेशियो 1:1 ही है यहाँ पर, मैग्नीशियम भी हमने सिट्रेट फॉर्म में यूज किया है एंड कार्बोनेट फॉर्म में यूज किया हुआ है। साथ ही साथ इसमें विटामिन D3 भी होने के कारण ऑब्जर्वेशन क्वालिटी भी आपकी काफी बेहतर होने वाली है। टॉकिंग अबाउट अनदर प्रोडक्ट जो कि हमारे एथलीट्स की सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, इवन इट इज माई फेवरेट ऑल्सो, मैंने तो डब्बा खत्म कर चुका है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। द प्रोडक्ट नेम इज प्रोकोसा। ये आपका बोन एंड ज्वाइंट में मदद कर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको काम आती है, मोबिलिटी पे आपकी वर्क कर जाती है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियो आर्थराइटिस, रेमिटाइड आर्थराइटिस, यू कैन रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू द पीपल। हमारे पास विजनेक्स की एक प्रोडक्ट है, ये आज के डेट में बात करूँ दोस्तों आंखों की एक कॉमन इश्यूज आ चुकी है। कॉमन इश्यूज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी ऑल आर एडिक्टेड टू यूज द स्मार्टफोन, क्योंकि हमारे बिजनेस ही स्मार्टफोन है, लैपटॉप से चलती है आजकल मैक्सिमम पीपल्स के। तो हमारे आंखों के ऊपर कितने प्रेशर पड़ते हैं, यू हैव नो आइडिया गाइस। तो आप ये अगर विजन एक्स यूज करते हैं तो आपकी आंखों को
बेटर रीजन के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वजन बढ़ाने के लिए एंड वजन घटाने के लिए भी शेक अवेलेबल है। कॉम्पिटिटर कंपनी से भी हम लोग बेहतरीन प्राइस में देते हैं विद बेहतरीन रिजल्ट में। कुछ पीपल्स को हमने इसको टेस्टिमोनी के लिए दिया हुआ था, मैंने 2 लोगों को प्रोवाइड किया हुआ था। एक पर्सन ने 5 दिन में लगभग सॉरी 6 दिन में 5 किलो वजन घटाया हुआ है और एक पर्सन ने 10 दिन में 12 किलो वजन घटाया हुआ है। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी लेकिन ये इतनी ही मास्टर प्रोडक्ट है। हम लोग बाकी कंपनी की तरह 25 ग्राम सर्विंग नहीं देते क्योंकि 25 ग्राम सर्विंग आपके बॉडी का आपका जो रिक्वायरमेंट होती है ना सिंगल मील की वो कभी भी पूरा नहीं कर पाता। तो हमारा जो ये अरे आप देख सकते हैं न्यूट्री मील है ये 60 ग्राम्स के पैकेट्स में अवेलेबल है। कुछ कॉम्बोस भी हमारे पास दोस्तों अवेलेबल है। अगर आप कंबाइंड प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो एक्चुअल प्राइस से थोड़ा रिड्यूस प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाली है। तो दिस आर द कॉम्बोस वी हैव अवेलेबल। हमारा लॉन्चिंग के लिए भी कुछ प्रोमो कॉम्बो अवेलेबल है जो हम जिसकी आपको क्रिएटिव्स इस मीटिंग के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पर्सनली कर दूंगा ग्रुप पे। ये दोस्तों हमारे प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। 699 से हमारी प्रोडक्ट की शुरुआत होती है एंड 2749 इज द मैक्सिमम रेंज। आपको अमेरिकन कंपनी अगर आपको लग रहा था कि शायद प्राइस बहुत ज्यादा हो सकती है बट प्राइस काफी रीजनेबल है एंड 699 से लेकर मात्र 2049 इज द मैक्सिमम प्राइस। एंड खासियत बताऊं दोस्तों हमारे यहाँ पर एक लॉयल्टी बेनिफिट है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेस करते हैं 10% एडिशनली आपको रिडीम हो जाती है एज ए लॉयल्टी पॉइंट के माध्यम से, यानी कि 10% और भी रिड्यूस हो जाते हैं जो प्रेफर्ड प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं। टॉकिंग अबाउट डिलीवरी की दोस्तों हमारी डिलीवरी ऑल इंडिया अवेलेबल है। वी डिलीवर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ आवर प्रोडक्ट इज ओनली 49 रुपीज, बिलो 15,000 रुपीज ऑफ प्रोडक्ट। अगर जी हाँ दोस्तों अगर आप 15,000 से नीचे की ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको मात्र 49 रुपीज डिलीवरी कॉस्ट बियर करना पड़ता है एंड अबोव 15,000 माफ करिएगा मुझे मैं स्लाइड को एक्चुअली एडिट नहीं किया हूँ, बिफोर हमने इसको 1% फाइनलाइज किया हुआ था बट करंट रेट जो है अभी 0.5% आपका चार्ज लगने वाली है अबव 15,000, यानी 15,000 का 0.5% कितना हो गया दोस्तों मात्र 75 रुपए। सो इट कॉस्ट लेस देन ए पॉपकॉर्न प्राइस इन ए मूवी थिएटर। उस कॉस्ट पे आपको ये डिलीवरी प्रोडक्ट इंडिया में होने वाली है। टॉकिंग अबाउट कंपेंसेशन, मैं आपको दोस्तों तो हल्का बहुत प्रोफाइल के बारे में बता चुका हूँ एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपेंसेशन, एंड ऑफ द डे दोस्तों व्हाट वी रिक्वायर्ड, मनी इन आवर पॉकेट। नो मैटर हमारी प्रोफाइल अच्छी है, नो मैटर हमारी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अगर कंपेंसेशन ही अच्छा नहीं रहा तो जो इंटरेस्ट लेवल होती है ना काम करने की ऑटोमेटिकली धीरे 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 रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये कंपेंसेशन की अगर मैं बात करूँ ना, दिस इज वन ऑफ द यूनिक कंपेंसेशन प्लान आप लोगों के सामने आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आई थिंक आपको ऐसे कंपेंसेशन की एक्सपीरियंस नहीं होगी। मुझे पर्सनली नहीं थी, मुझे ये प्लान काफी यूनिक लगा एंड बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है। एक बार चलिए मैं आप इस प्लान के ऊपर आपके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो हमारे प्लान पे दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ 3 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। पहला पैरामीटर है प्रेफर्ड कस्टमर का, दूसरा पैरामीटर है एफिलिएट का, तीसरा पैरामीटर है एसोसिएट का। ये तीनों पैरामीटर्स की अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो एफिलिएट से आप अर्न कर सकते हैं, एसोसिएट से अर्न कर सकते हैं, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर आप प्रोडक्ट यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए तीनों की हम लोग सेगमेंट वाइज देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट प्रेफर्ड कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर आप सेल्फ कंजप्शन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाती है फ्रॉम एमआरपी टू प्रेफर्ड प्राइस। एक्चुअली मैं प्रेफर्ड प्राइस इसीलिए कह रहा हूँ, हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस सुनने की आदत है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रेफर्ड प्राइस की वर्ड यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एडिशनल 10% लॉयल्टी का भी बेनिफिट मिल जाती है आपको। तो इस तरह से आप प्रेफर्ड कस्टमर की बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ बात करें दोस्तों एफिलिएट, एफिलिएट आप बहुत से कंपनी के पास एफिलिएट है, मॉडल्स भी अवेलेबल है बट हमारे कंपनी के एफिलिएट की यूनिकनेस क्या है कि यू डोंट रिक्वायर टू एक्टिवेट योर आईडी, यू डोंट रिक्वायर टू रीपरचेस योर आईडी इन ऑर्डर टू अर्न एज ए एफिलिएट मार्केटर। आज आप एज ए एफिलिएट अगर शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर ना तो आपको आईडी परचेस करने की कोई कंडीशन आती है ना तो रीपरचेस करने की कंडीशन आती है। जी हाँ दोस्तों सुनकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा बट इट इज ट्रू, बिना परचेस किए भी आप लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन आप अपने एफिलिएट आईडी पे अर्न कर सकते हैं, नो कंडीशन नो कैपिंग, यू कैन अर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। चलिए समझते हैं आप अर्न कैसे करते हैं। दोस्तों मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जो कंपेंसेशन होता है ना
उसे अगर लिख कर पेन पेपर में अगर हम लोग समझे, व्हाइट बोर्ड में समझे, तो ज्यादा आसान हो जाता है हमें समझने के लिए। और जी मैम, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं दोस्तों आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। सेशन के एंड में हम लोग क्वेश्चन एंड क्वेरीज के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मीटिंग के मोमेंटम को हम बीच में ब्रेक कर करके बिजनेस प्लान के ऊपर डिस्कशन करें। तो बेसिकली दोस्तों अब चलिए हम प्लान के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास तीन पैरामीटर है, मैंने प्रेफर्ड कस्टमर पहले ही बता दिया था, तो दूसरा पैरामीटर्स के नाम मैंने क्या कहा था आपको, एफिलिएट। एफिलिएट बनकर ना दोस्तों आप यहाँ पर दो डिफरेंट सेगमेंट से ऑन कर सकते हो। यू कैन ऑन थ्रू द प्रेफर्ड कस्टमर, यू कैन ऑन थ्रू द अदर एफिलिएट। आप दूसरे एफिलिएट को भी अपने साथ कनेक्ट करके ऑन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आप अर्निंग आपको यहाँ पर होती कैसे। सपोज आपने कोई प्रेफर्ड कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया, उनके परचेसिंग का स्पॉट 20% आपको इंसेंटिव मिलती है। परचेसिंग आई इट मीन्स इनवॉइस अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो एमआरपी डीपी का गैप्स है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनवॉइस अमाउंट जो डीपी प्राइस में परचेस हो रहा है, 20% आपको स्पॉट इंसेंटिव हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक एफिलेट ने 10 प्रेफर्ड कस्टमर क्रिएट कर दिए, किसी ने 5,000 के प्रोडक्ट खरीदा, किसी ने 10,000 का खरीदा, किसी ने 20,000 का खरीदा, टोटल ये 5-10 लोग मिलकर 100,000 के प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए। तो 1 लाख का दोस्तों 20% कितना हो गया, 20,000 विल बी योर स्पॉट पेंशन, ये आपकी अर्निंग। इसमें दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यू कैन अर्न एज मच एज यू कैन बाय रेफरिंग योर एफिलिएट लिंक। अभी देखिए आपके पास एफिलिएट की लिंक कैसे आती है, आप जैसे आपको एक एफिलिएट आईडी मिलती है, आपके पास एक लिंक आ जाती है, किसी को परचेस करना है आप वो लिंक शेयर कर दीजिए, उस लिंक से जब वो परचेस होता है आपका इंसेंटिव जनरेट हो जाएगा। ये इंसेंटिव आपको वीकली बेस में मिलती है, पूरे हफ्ते भर में इकट्ठे हो जाते हैं आपके सारे इंसेंटिव और हफ्ते में आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इसकी और खासियत की बात करूँ कि एज ए एफिलिएट आप अदर एफिलिएट को भी यहाँ पे एसोसिएट कर सकते। अदर एफिलिएट को आप किस तरह से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट अनम्यूट योर सेल्फ, क्योंकि बाकी लोगों की भी समय की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तेज सिंह जी, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट अनम्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज मुझे आपको वेटिंग रूम में रखना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एज ए एफिलेट आप अनदर एफिलेट को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अनदर एफिलेट को कनेक्ट करके बेनिफिट्स क्या मिलती है, इनके एफिलेट अर्निंग के 10% की स्पॉट इंसेंटिव आप यहाँ पर अर्न कर। आपको मैंने बताया कि एफिलेट कैसे अर्न करता है, प्रेफर्ड कस्टमर से, एफिलेट से भी। आपने किसी एफिलेट को इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए आपने 10 एफिलेट इंट्रोड्यूस किए, इन 10 एफिलेट मिलकर 1 लाख की अर्न कर रहे हैं, किसी कोई 5,000 अर्न कर रहे, कोई 10,000, तो सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो 10,000 विल बी योर इंसेंटिव। यहाँ पर भी कोई कैपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, नो फर्स्ट परचेज, नो रिपर्चेज, नो कंडीशन, सारे इनवॉइस अमाउंट पे लीगल अर्निंग आ रही है, 5% टीडीएस कट के। हाँ बात वो होगी अगर आपने पैन कार्ड अपलोड नहीं किया होगा तो 20% कट जाएगी टीडीएस, लेकिन लीगली आप 5% टीडीएस रिड्यूस होकर आपको ये सारे इनकम्स की बेनिफिट्स मिल जाती है। नो कैपिंग, नो लिमिट, और नो आईडी एक्टिवेशन, नो रिपर्चेस, ये एफिलिएट मॉडल की हमारी बेनिफिट है। बस आपको करना क्या पड़ता है, आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है। केवाईसी क्या होती है, आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके साथ पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स का केवाईसी कंप्लीट करके आप ये इनकम की बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर एंट्री जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट। एसोसिएट की अगर दोस्तों बात करूं तो ये बहुत पावरफुल जर्नी है यूसाना के साथ। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनते होंगे यूसाना पे, जो लाखों करोड़ों अर्न कर रहे हैं, दे ऑलरेडी स्टार्ट देयर जर्नी एज एसोसिएट। जब आप एसोसिएट वर्क करते हो ना, आप तीन पैरामीटर से अर्न करते हो। पहला अर्निंग आपका आता है प्रेफर्ड कस्टमर से। आप ये मत सोचो कि प्रेफर्ड कस्टमर का अर्निंग सिर्फ एफिलिएट ही लेकर जाएगा, नहीं दादा ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेफर्ड कस्टमर की अर्निंग एज एसोसिएट भी आप अर्न कर सकते। उसके बाद यू कैन अर्न थ्रू द एफिलिएट ऑल्सो, आप एफिलिएट को भी इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं बात करूं तो आप अर्न कर सकते हैं अदर एसोसिएट को अपने साथ कनेक्ट करके, यानी कि इफ यू रिक्रूट द अदर एसोसिएट, नेटवर्क बिल्ड करके भी आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। चलिए आके समझते हैं एक एक करके कि आप अर्निंग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दोस्तों प्रेफर्ड कस्टमर,
आप यहाँ पर कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, आपको 10% की स्पॉट इंसेंटिव। ये 10% की इंसेंटिव किस तरह से मिलती है, चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर सेम एग्जांपल मैं दूंगा। मान लीजिए आपने 10 PC कनेक्ट कर लिया, यानी प्रेफर्ड कस्टमर। हमारे प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी नहीं लगती है, आप प्रेफर्ड कस्टमर को अपने आईडी में मर्ज करते हैं। जब अपने आईडी पे आप मर्ज करते हैं, वो परचेस करते हैं, तो उनके पास एक लिंक जनरेट होती है, उनके पास एक बाइंग के लिए एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक आईडी एंड पासवर्ड भी उनकी जनरेट हो जाती है। तो जैसे ही प्रेफर्ड कस्टमर 10 आपने किए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेल गई 1 लाख की, 100,000 की, तो स्पॉट इंसेंटिव दोस्तों आपको 10,000 मिल जाती है। तो जो भी अमाउंट जनरेट होगा, उस अमाउंट का 10% आपका इंसेंटिव होगा, इस पे भी कोई लिमिट नहीं है। प्लस 70% आपको बेनिफिट मिलता है पॉइंट की, यानी कि SBP की। अब यहाँ पर मैं SBP बोल रहा हूँ, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि SBP है क्या। जब हम दोस्तों एसोसिएट मॉडल में काम करते हैं, तो आपको पता है हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक पॉइंट की कैलकुलेशन होती है। कोई BV कहता है, कोई PV कहता है, हम लोग यहाँ पर कहते हैं SBP। SBP स्टैंड फॉर सेल्स वॉल्यूम पॉइंट। दोबारा रिपीट करूंगा, सेल्स वॉल्यूम पॉइंट। तो इन ऑर्डर टू बी एसोसिएट आपको रिक्वायर्ड होती है 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट की। कितना, मैं दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, वंस यू हैव डन 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट, आप एसोसिएट आईडी बन जाते हो, एंड पहला दूसरा तीसरा ऑल टाइप्स ऑफ अर्निंग आप यहाँ पर लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट की, आपके मन में और एक सवाल आती होगी कि मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो प्राइस मैंने आपको दिखाया था उसमें एक पॉइंट भी था, मिनिमम कॉस्टिंग है आपका 4,748 रुपीज। दिस इज द मिनिमम कॉस्टिंग फॉर 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट विथ टू डिफरेंट प्रोडक्ट। तो जैसे ही दोस्तों आप एसोसिएट बन जाते हैं, आप यहाँ पर प्रेफर्ड कस्टमर के 10% की अर्निंग की बेनिफिट ले रहे हैं विदाउट एनी लिमिट, प्लस आप 70% बेनिफिट ले रहे हैं किसका, सेल्स वॉल्यूम पॉइंट का। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मान लीजिए 10,000 में, फिर 1 लाख पे अगर आपकी जो भी पॉइंट जनरेट होती है, उस पॉइंट का 70% आपका कैलकुलेट होता है मैचिंग के लिए भी, और आपका ही नहीं, आपके पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर का, पूरे एंटायर ट्री में कैलकुलेट होने जाती है। तो इस तरह से आप प्रेफर्ड कस्टमर से अर्न कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एफिलिएट, अगर दोस्तों बीइंग एसोसिएट 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट के साथ, जब आप एसोसिएट बनते हैं, आप कोई एफिलिएट को अपने साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अर्निंग से 20% आप अर्न करते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर भी और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपने 10 एफिलिएट अपने अंडर कनेक्ट कर लिए, एंड 10 एफिलिएट ने मिलकर अर्न किए 1 लाख रुपए की, उन्होंने अर्निंग कर ली, यानी कि 100,000, 1, 2, 3, 4, 5, जी हाँ, 1 लाख रुपए की अर्निंग उन्होंने की। इंसेंटिव मैंने कितना कहा था दोस्तों, 20%, यानी कि आप 20,000 रुपीज स्पॉट अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, यू कैन अर्न एज मच एज यू कैन। प्लस अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 30% आपकी कैलकुलेट होती है सेल्स वॉल्यूम पर, आपके पूरे नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड इनकम मिल गई, प्रेफर्ड कस्टमर से भी, एफिलिएट से भी। नाउ हम लोग बात करने जा रहे हैं द पावरफुल एंट्री, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट। अगर आप एसोसिएट कनेक्ट करते हैं, तो आपको अर्निंग क्या आती है? पहला अर्निंग आती है ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की। अगर मैं ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की बात करूं, तो ये आपको मिलती है 20% फ्रॉम द स्मॉलर साइड। बाइनरी में आपको पता होगा दोस्तों, दो लेग पे जब वर्क होती है, आइदर वन विल बी बिगर देन अदर्स, या तो बोथ विल बी इक्वल। तो इन केस में क्या होता है, जो छोटा वाला साइड रहता है, उससे आपको अर्निंग मिल जाती है ग्रुप सेल्स वॉल्यूम से 20%। अनदर इनकम आती है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको 2% कंपनी टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द क्वालिफाइड पीपल। क्वालिफायर्स कौन है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अनदर इनकम है दोस्तों आपका एलिट बोनस। एलिट बोनस अगर मैं बात करूं, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1% फ्रॉम द कंपनी टर्नओवर, सारे क्वालिफायर्स को। क्वालिफायर्स क्या है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करें। उसके साथ साथ आपको मिलती है दोस्तों ट्रिप्स एंड इंसेंटिव, प्लस रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। फिर जो, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, 2024 इज गोइंग टू बी मैसिव दोस्तों। हमारे पास 4 डेस्टिनेशन है ट्रिप्स के लिए, गोवा, मलेशिया, मिडिल ईस्ट में दुबई, एंड यूरोप में जर्मनी। यानी कि एक एशिया स्पेसिफिक हमारे पास टूर अनाउंस हो चुके हैं।
इंडिया में हमारा एक टूर है गोवा पे, मिडिल ईस्ट पे एक टूर है एंड यूरोप पे टूर है। ये सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है आपको वेरी सुन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं अभी एक एक करके, ग्रुप सेल्स वॉल्यूम, लीडरशिप बोनस, एलिट बोनस से आप किस तरह से एसोसिएट को कनेक्ट करके यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्निंग को समझने से पहले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर समझिए। मैंने आपको शुरू में एक चीज कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके जो प्लान है काफी यूनिक है। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिकनेस क्या है चलिए आइए समझते हैं इसको। हमारे दोस्तों बाइनरी स्ट्रक्चर में लेफ्ट एंड राइट की स्ट्रक्चर होती है। उसाना से पहले अगर मैं बात करूं, ऐसे बिजनेस चलते थे यानी कि विड्थ में हम लोग काम कैसे करते हैं, डेप्थ पे। बीइंग ए फर्स्ट बाइनरी कॉन्सेप्ट, हमने बाइनरी को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया था, आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड टू लर्न दिस थिंग्स। हमारे पास जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं ना, आपका तीन बिजनेस सेंटर जनरेट हो जाते हैं। तीन बिजनेस सेंटर, एक पहला बिजनेस सेंटर आपके लगता है टॉप में, लेफ्ट साइड लगता है आपका बिजनेस सेंटर टू, राइट साइड लगता है आपका बिजनेस सेंटर थ्री। अगर मैं कहूँ यहाँ पर अपलाइन भी डाउनलाइन बन जाएंगे, डाउनलाइन भी अपलाइन बन जाएंगे, फिर अपलाइन डाउनलाइन बन जाएंगे, फिर डाउनलाइन अपलाइन बन जाएंगे, तो सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा ना, बट यस हमारे प्लान में एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन क्रिएट होता है। कॉन्क्रीट फाउंडेशन कैसे क्रिएट होता है चलिए हम लोग समझते हैं। आप अगर बिजनेस सेंटर वन को एक्टिवेट करते हैं, अल्टीमेटली आपके जितने सेंटर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बिजनेस सेंटर वन को रिपर्चेस करेंगे तो आपके पास जितने सेंटर होंगे ये ऑटोमेटिकली रीपर्चेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको बाकी सेंटर में रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस सेंटर एक्चुअल में है क्या, ये बिजनेस सेंटर की बात करूं, ये आपको मदद करती है अर्निंग करने के लिए। हर सेंटर से आप अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो बाइनरी हमने एक्सपीरियंस किया है, बाइनरी मतलब कैपिंग, एक सक्सेसफुल बाइनरी में कैपिंग लगता है, बनी बात है, आप इस चीज को डिनाय नहीं कर सकते। जो जिस बाइनरी में कैपिंग नहीं, वो कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। तो बाइनरी में होता क्या है, कैपिंग का बेनिफिट लेने के लिए हम लोग ट्राइपॉड लाइट लगाते थे, यहाँ पे सेल्फ लगाते थे, यहाँ पे फैमिली लगाते थे, यहाँ पे फैमिली लगाते थे। अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग 5 पॉट, 7 पॉट, 9 पॉट से हम लोग बिजनेस करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी, इसको एक्टिवेट करो, इसको भी एक्टिवेट करो, इसको भी एक्टिवेट। प्रॉब्लम क्या आती थी, प्लान दो टाइप के होते थे, या तो आईडी अपग्रेड करने वाली प्लान हो या तो रिपर्चेस वाली प्लान। इस केस में क्या करते थे, इसको अपग्रेड करो, इसको अपग्रेड करो, इसको भी अपग्रेड करो, इसको रिपर्चेस करो, इसको रिपर्चेस करो, इसको भी रिपर्चेस करो। ये प्रॉब्लम आपको यूसाना के साथ देखने को नहीं मिली। आप अगर बात करें एक सेंटर से, को आप रिपर्चेस करके सारे सेंटर्स का रिपर्चेस कंडीशन, फर्स्ट परचेस कंडीशन, एवरीथिंग आप फुलफिल कर सकते हैं। ना मैं अभी बात किया था अपलाइन डाउनलाइन बन जाता है, डाउनलाइन अपलाइन बन जाता है, कैसे होता है ये चीजें। हमारे दोस्तों यहाँ पर एक कैपिंग को हम लोग कहते हैं मैक्स आउट। जब भी आप मैक्स आउट करते हैं यानी कि 3000 SBP, इसकी बेनिफिट क्या आएगी दोस्तों, मैं ग्रुप सेल्स वॉल्यूम में आपको बताऊंगा। 3000 SBP जब आप मैक्स आउट करते हैं कोई भी सेंटर को, आपको यहाँ पर एक न्यू बिजनेस सेंटर के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये जो बिजनेस सेंटर चार मिलती है, ये बिजनेस सेंटर को आप कहाँ पर प्लेस करोगे, इट विल बी कम्प्लीटली योर चॉइस, आप इसको डिसाइड करने वाले हो। आपके डेप्थ में जो टीम होगी ना, उसके नीचे प्लेस करोगे, किसके राइट में प्लेस करोगे, किसके लेफ्ट में प्लेस करोगे, 100 लोगों के नीचे प्लेस करोगे, चॉइस आपकी है। सिमिलरली दोबारा कैपिंग टच करोगे कोई भी सेंटर पे, आपको और एक बिजनेस सेंटर मिलेगा, और इस बिजनेस सेंटर को कहाँ प्लेस करोगे ये भी आपकी चॉइस है। हर बिजनेस सेंटर से आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीक आप लोगों ने रजनीश सोगी से मिले हुए थे, रजनीश जी 12 सेंटर चला रहे हैं, उसमें 6 सेंटर एक्टिव है, और 6 एक्टिव सेंटर से 20 से 25 लाख रुपए की ऑन कर रहे हैं। अगर मैं अपनी अपलाइन की बात करूँ, स्पॉन्सर की बात करूँ, कोलेट लार्सन की, 82 सेंटर्स चल रहे हैं उनके 2 लेक के डेप्थ के अंदर, एंड बहुत करोड़ों में उनकी अर्निंग्स आ रही है। तो जिस तरह से अगर मैं प्लान की बात करूं दोस्तों, या आप मान लीजिए आपके इसके नीचे 100 लोग हैं, आप ये सेंटर को 100 पीपल्स के नीचे भी प्लेस कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। कंपनी कहीं पर भी प्रेशर नहीं करेगा कि यस माय डियर यू हैव टू प्लेस दिस बिजनेस सेंटर अंडर दिस पर्टिकुलर आईडी, दिस चॉइस, दिस राइट्स कंपनी ने आपको दिया हुआ है। यानी कि आज शाम आपकी भी डाउनलाइन बन सकता है, आप अपने डाउनलाइन के भी नीचे एक सेंटर लगाकर वहां पर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, 2 लेग में सबको के सेंटर एक दूसरे के जब नीचे आएंगे ना, एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन क्रिएट होगी, और ये कॉन्क्रीट फाउंडेशन के कारण आप बिलीव नहीं करोगे, 4.5 लाख लोगों की लीडरशिप है आज यूसाना में, ग्लोबल मार्केट में कंज्यूमर मिला के 45 लाख, इतने कम लोगों पे हम 1 बिलियन की सेल देते हैं, $1 बिलियन की सेल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इसकी USP है।
थर्टी थर्टी ईयर से लोग रिटेंशन कर रहे ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान के खूबी के कारण। चलिए हम लोग समझते हैं अभी इनकम पोटेंशियल को। दोस्तों मैंने आपको ना एसोसिएट की इनकम में पहला इनकम बताया था ग्रुप सेल्स वॉल्यूम। ग्रुप सेल्स वॉल्यूम मैंने आपको क्या बताया था 20% आपके काउंट होते हैं स्मॉलर साइज, यानी कि स्मॉलर लेग्स आपको 20% काउंट होते हैं। फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा ये आपके सारे सेंटर में एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपका लेफ्ट में एक टीम है राइट में टीम, गॉट इट। तो आपने मान लीजिए 35 का एक एक्टिवेशन किया, 35 SBP 35 SBP राइट, 35 SBP लेफ्ट 35 SBP राइट। कॉस्टिंग कितना है दोस्तों, मैंने बताया था 4,748 रुपीज। चल इसको हम लोग 4,800 पकड़ लेते, डिलीवरी भी तो 49 जोड़नी है हमें। 4,800 आपने लेफ्ट पे एक टीम बनाई, 4,800 आपने राइट पे एक टीम बनाई, 35 पॉइंट 35 पॉइंट। यहाँ पे पावर भी 35 स्मॉलर भी 35, तो आप हमें मैचिंग कहाँ से मिल रही है, स्मॉलर साइड से, यानी कि 35 SBP। 35 SBP का 20% कितना हुआ, इसको अगर हम देखते हैं तो 7 कमीशन वॉल्यूम 1। एंड ये हमारा हो गया कमीशन। SBP से जो 20% की वैल्यू निकल कर आती है उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। दोबारा कहूंगा दोस्तों, हर पॉइंट में हम हमारा प्रोडक्ट जो परचेस करते हैं हमें वहां से मिलती है सेल्स वॉल्यूम पॉइंट। जब वो सेल्स वॉल्यूम पॉइंट मैचिंग में कन्वर्ट होते हैं उसके जो 20% निकल कर आता है उसको हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। एंड ये कमीशन वॉल्यूम पॉइंट आपका मल्टीप्लाई हो जाता है डॉलर के साथ। इसका करंट रेट हमने 81 फाइनल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको 80 का एग्जाम्पल दूँ। अगर 80 के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 560 रुपीज विल बी योर पे आउट। नाउ आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4,800 लेफ्ट पे, 4,800 राइट पे, 35 पॉइंट लेफ्ट पे, 35 पॉइंट राइट पे, 560 रुपीज की पे आउट। दोस्तों हमने 3,000 के मैचिंग में ना 100 रुपए में भी काम किया हुआ है, और हमने बहुत सारे कंपनी के पे आउट को भी हमने रिसर्च किए, तो हमने हमें पता चला कि यूसाना की बाइनरी काफी हद तक बॉटम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी अदर बेनिफिट की। जैसे मैंने आपको कहा था हमारी सेंटर मैक्स आउट कितने में होते हैं, 3,000 SBP पे, यानी कि 3,000 SBP तक सारे पॉइंट आपके कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं इन केस अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो। हमारा दोस्तों यहाँ पे वीकली साइकिल है, एक हफ्ते में परचेस करोगे सेम वीक प्लस 3 वीक्स की इनकम आती है, 5वीं वीक में हमारी रिपर्चेस आती है, तो ये आपकी कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी एवरी अदर वीक पे अंटिल अनलेस जब तक आप उसका बेनिफिट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपने लेफ्ट में बिजनेस किया 2,500 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट का, राइट में बिजनेस किया 2,000 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट का, मैचिंग स्मॉलर साइड कितना हो गया 2,000, 2,000 SBP का आपका 20% कितना हो जाता है 400, दिस इज कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 80 से, इनकम कितनी होगी आपकी 20 18 * 4 आपका हो गया 32,000, ये आपकी होगी अर्निंग। बचा आपका कितना 500 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट, इधर बचा लेफ्ट साइड पे, ये आपका रोल ओवर हो जाता है, यानी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये आपका रोल ओवर हो जाता है अनदर साइकिल। इस तरह से आप कैरी फॉरवर्ड का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं हर सेंटर को आप मैक्सिमम 3,000 SBP एंड 3,000 SBP से आप मैचिंग की बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी मोटा मोटी अर्निंग जो है अगर मैं लीडरशिप एंड ग्रुप सेल्स वॉल्यूम को जोड़ दूं तो लगभग 55 से 60,000 की आपकी अर्निंग है एक सेंटर पे वीकली। महीने में कितना हो गया, लगभग 2,40,000 या 2,50,000 तक आप अर्निंग कर सकते हैं एक सेंटर पे। और आपके पास कितने सेंटर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके पास एन नंबर ऑफ सेंटर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर सेंटर पे आप 2,50,000 की अर्निंग कर सकते हैं महीने का, सेंटर कितनी हो सकती है एन नंबर ऑफ सेंटर, डेप्थ पे ही 2 लेग पे, जो मैंने कहा ना कॉन्क्रीट फाउंडेशन एक दूसरे के नीचे चलता रहेगा, सिलसिला वो चलता रहेगा, एन नंबर ऑफ सेंटर आप रख सकते हैं अपने नीचे एंड एवरी सेंटर से आप 2,50,000 रुपए अर्न कर सकते हैं एवरी अदर मंथ। सो आई होप आप इस ग्रुप सेल्स वॉल्यूम को क्लियर हो गए। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको 3,000 SBP 3,000 SBP पे आपको कैपिंग टच हो जाती है, जहां पर आपका बंद होता है ग्रुप सेल्स वॉल्यूम इनकम वहां पर आपका चालू हो जाता है लीडरशिप बोनस। एंड लीडरशिप बोनस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 2% फ्रॉम द कंपनी टर्नओवर से। 2% डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, अगर मैं इसको अगर हम कैलकुलेशन करके देखें दोस्तों, तो
आपको यहाँ पर ना शेयरिंग के अकॉर्डिंगली इनकम आती है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस सेंटर का कैपिंग टच किया, मैक्स आउट किया, तो आपको एक शेयर मिलता है। यहाँ आपने दो बिजनेस सेंटर को आपने मैक्स आउट किया तो आपको दो शेयर मिलेंगे। आपने तीन बिजनेस सेंटर को मैक्स आउट किया तो आपको तीन शेयर मिलेंगे। आपने चार बिजनेस सेंटर को मैक्स आउट किए तो चार शेयर मिलेंगे। ये शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दोस्तों, कंपनी अपने 2% का टर्नओवर अलग से कर देती है हफ्ते भर की, एंड जितने शेयर होते हैं उसे डिवाइड करती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है एंड 1 करोड़ का वैल्यू हो गया, 2% कंपनी टर्नओवर का कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख में मान लीजिए 10 लोग क्वालिफाई किए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कोटेड मत करिएगा मुझे, 10 लोग क्वालिफाई किए हैं, किसी के पास एक शेयर है, किसी के पास दो शेयर है, किसी के मल्टी शेयर है, तो 10 लोगों के पास 20 शेयर है। तो हम इस 10 शेयर को 20 शेयर को डिवाइड कर देते हैं एंड इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है 10,000। आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 10,000 मिलती है, दो शेयर है तो 20,000, तीन शेयर है तो 30,000, चार शेयर है तो 40,000 क्लियरली आपको मिलती रहेगी। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं अनादर इनकम जो है, जिसको हम लोग कहते हैं एलीट बोनस। ये एलीट बोनस जो है दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में 1-1 लाख डॉलर तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 1 लाख डॉलर कितना होता है आप एक बार कैलकुलेट करके सोच लीजिए दोस्तों, 80 लाख रुपए भी होते हैं। तो एलीट बोनस बहुत बड़ा अर्निंग है। यहाँ पर आपको कंपनी के 1% टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंपनी के 1% टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है चलिए समझते हैं। 3 महीने का जो भी टर्नओवर रहेगा कंपनी, 3 मंथ्स का बिजनेस का 1% अलग कर दिया जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसको, टॉप 20 अर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो टॉप 20 अर्नर होंगे ना, 1% का टर्नओवर यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं है, किसी के पास एक शेयर है, मल्टी शेयर है तो कोई ज्यादा कमा लेगा या कम कमा लेगा। 20 लोगों को अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे एलिट बोनस। जो आज के डेट पे अगर बात करूं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के टॉप 20 अर्नर में आने की। और यकीन मानिए दोस्तों, ये एलीट बोनस बोनस नहीं है, ये लॉटरी अर्निंग है। इतनी ज्यादा ही आपको अर्निंग आएगी ना, आप मैचिंग से भी आप मतलब जितना नहीं कमा रहे हो उससे कहीं ज्यादा आप यहाँ पर कमा जाएंगे। उसके साथ दोस्तों हमारे पास और एक इनकम है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्पॉन्सर। अगर आप इंटरनेशनल किसी को स्पॉन्सरशिप करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाती है। पहले 1 से लेकर 5 साल तक 20% मिलती है उनके अर्निंग से, फिर 6 से लेकर 10 साल तक आपको मिलती है 10% फ्रॉम देयर अर्निंग। उसके बाद 11 से लेकर 15 साल तक मिलती है आपको 5% फ्रॉम देयर अर्निंग, एंड 15 साल से लेकर एंटायर लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन आपको मिलती है 2.5% ऑफ अर्निंग। तो जैसे कि हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है तो हमारे पास 1 ईयर का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम पहला साल किसी को भी इंटरनेशनल स्पॉन्सर करते हैं तो उसके अर्निंग का 40% हमें इंसेंटिव जनरेट हो जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, दिस इज आवर प्लान, ये हमारा प्लान ऐसे ही इंडियन मार्केट में होने वाली है। इसकी कुछ क्राइटेरिया अगर मैं बताऊँ तो आपको एवरी 5th वीक पे, जैसे अभी किसी ने सवाल भी किया हुआ था, हमें रीपर्चेस करनी पड़ती है विद द अमाउंट ऑफ 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट। रुपीज में कैलकुलेट करें तो 4,300 to 4,400 हो जाता है। अभी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट 4,800 बताए थे, अभी 43 to 44 आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो इसको? तो रिड्यूस कैसे होता है चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं, रिपर्चेस भी आपका अमाउंट रिड्यूस कैसे हो जाता है। हमारे पास दोस्तों एक लॉयल्टी प्रोग्राम है। लॉयल्टी की अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, आप कोई भी अमाउंट के प्रोडक्ट परचेस करते हैं इनवॉइस अमाउंट पे, आपकी जो इनवॉइस अमाउंट होती है उस अमाउंट पे 10% आपको बेनिफिट मिल जाती है लॉयल्टी का। सपोज आपने 15,000 का प्रोडक्ट परचेस किया इनवॉइस अमाउंट पे, यानी कि प्रेफर्ड प्राइस पे, यानी कि एमआरपी बोला डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, प्रेफर्ड प्राइस पे आपने 15,000 का प्रोडक्ट परचेस किया तो आपके यहाँ पे 10% यानी कि आपको लॉयल्टी बेनिफिट जनरेट हो जाता है 1,500 रुपीज का। जब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी अमाउंट का प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आप इस 1,500 को रिडीम कर सकते हैं। यानी कि सिमिलरली अगर आप 15,000 का प्रोडक्ट दोबारा ले रहे हैं तो आपका ये 1,500 वहां से माइनस हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट आपको सेकंड टाइम 13,500 की कॉस्ट पड़ेगी। जब आपका इनवॉइस 13,500 की हो जाती है, अगेन 10% की आपको 1,350 रुपए की लॉयल्टी बेनिफिट फिर से जनरेट हो जाती है। तो एवरी इनवॉइस अमाउंट पे आपको 10% की एडिशनल लॉयल्टी हो जाती है। तो उसी तरह से अगर हम लोग 4,800 को रिपीट करेंगे रीऑर्डर पे तो अल्टीमेटली आपको 480 रुपए माइनस हो जाएंगे फ्रॉम दिस एक्चुअल अमाउंट से।
दोस्तों दिस इज आवर प्लान विल लुक लाइक। रेस्ट में आपको थोड़ा सा रैंक के लिए दोबारा से पीडीएफ के स्लाइड के ऊपर लेकर चलता हूँ, तो दैट हम लोग रैंक के ऊपर भी डिस्कस कर लें। दिस इज द रैंक दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि आप सैरर से अपनी रैंक की शुरुआत कर सकते हैं। 50 कमीशन वॉल्यूम जैसे आपकी जनरेट हो जाती है, आप सैरर बन जाते हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा था, सेल्स वॉल्यूम पॉइंट का 20% जब अलग से निकल कर आती है तब उसको हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। यानी कि जैसे ही आपका 250 लेफ्ट 250 राइट का बिजनेस हो जाती है सेल्स वॉल्यूम पॉइंट के पे, तो अल्टीमेटली 50 कमीशन वॉल्यूम पॉइंट जनरेट हो जाती है एंड आप शेयरर रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। उसी तरह 100 कमीशन वॉल्यूम पॉइंट जनरेट करके आप बिलीवर, 200 जनरेट करके बिल्डर एंड सिमिलरली आप 4000 CBP अगर आप कंजीक्यूटिवली 4 वीक तक करते हैं तो आप डायमंड डायरेक्टर तक भी जा सकते हैं। सो बहुत सारे लीडर्स हमारे ये डायरेक्टर की प्लानिंग कर रहे हैं, अचीवर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्डर की प्लानिंग कर रहे हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की प्लानिंग कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर वीक रहेगी, जो आपकी टारगेटेड डेजिग्नेशन है, आप उसको क्वालिफाई कर सको। सो दिस इज हाउ आवर रैंक विल बी लुक लाइक। फ्रॉम 50 कमीशन वॉल्यूम पॉइंट से आपकी रैंक की शुरुआत होती है, 15,000 कमीशन वॉल्यूम तक आपको रैंक की बेनिफिट्स मिलती है। 51 कमीशन वॉल्यूम पॉइंट की वैल्यू कितना कहा था दोस्तों मैंने आपको, 80 रुपीज, यानी कि 4,000 की अर्निंग होती है जब आप शेयरर बनते हैं 11 स्टार डायमंड डायरेक्टर, यानी कि 15,000 CBP, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 4 कंजीक्यूटिव वीक पे जब आप करते हैं 60,000 CBP। अगर मैं मोटा मोटी रुपीज में बात कर दूं तो ग्रुप सेल्स वॉल्यूम में 50 लाख, अदर इनकम मिलाकर 10 to 20 लाख, यानी कि आप लगभग 60 से 70 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं द मोमेंट यू विल टच द रैंक ऑफ 11 स्टार डायमंड डायरेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपेंसेशन गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सन जिन्होंने हमें इस बिजनेस पे इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने हमें ट्रेंड किया बिफोर द लॉन्चिंग, जिन्होंने हमें बिजनेस सिखाए, यूसाना के कंपेंसेशन लेके से लेकर हर चीज पे जिनकी गाइडेंस रही हमारे ऊपर। सी इज नन अदर देन द पर्सन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कॉलेट लार्सन, एंड सी इज द फाउंडर ऑफ लार्सन ग्लोबल अलायंस इनकॉर्पोरेशन। एंड लगभग अगर मैं बात करूं इनकी जर्नी की तो बहुत आउटस्टैंडिंग जर्नी रही हुई है 30 साल की। द पर्सन यू कैन सी ऑन हर राइट साइड ही इज डॉक्टर मायरन बेज, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, द फाउंडर ऑफ यूसाना। एंड द लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं ही इज जैकरी रॉस जो कि कॉलेट लार्सन के बड़े बेटे हैं, उनके एल्डर सन है। टॉकिंग अबाउट कॉलेट लार्सन ग्लोबल की कुछ यूनिकनेस क्या, इनकी खूबियाँ क्या, इनकी यूएसपी क्या है, हम लार्सन के साथ क्यों कनेक्ट हुए, हम इनकी ट्रेनिंग्स क्यों ले रहे हैं। एंड दोस्तों आप सबके साथ लिए गुड न्यूज है, आने वाले 30 दिसंबर को कॉलेट लार्सन मैम आप सबके साथ रूबरू होने वाले हैं एग्जैक्टली एट 8 PM को। दोबारा से नोट कर लीजिएगा दोस्तों ये टाइम को, हफ्ता भर भी नहीं बचा है, यानी कि नेक्स्ट 6 डेज के बाद आप इस शख्स को सुनने वाले हो, मिलने वाले हो, और आपको बात करने का भी मौका मिलने वाली है। इनकी कुछ खासियत की बात करूं, हमने लार्सन ग्लोबल के साथ वर्क क्यों किया, आपको भी लार्सन ग्लोबल के साथ कनेक्ट होने के बेनिफिट क्या है और क्यों कनेक्टिविटी रहना चाहिए, इसके ऊपर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लार्सन ग्लोबल की कुछ खूबियां हैं। 30 ईयर्स इन्होंने मार्केट्स को दिया हुआ है, 1994 इन्होंने यूसाना बिजनेस शुरुआत किया हुआ था, 3 डिकेड्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, इससे बड़ी लॉयल्टी और कुछ नहीं हो सकती है। अगर मैं बात करूं आज यूसाना में जितने ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जितने ग्रुप काम कर रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी इनकी रही हुई है। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो इनको रिवॉर्ड मिला हुआ है 13 टाइम्स, बेस्ट ग्रुप का, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर का, सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट करने का ग्लोबल मार्केट में, 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 13 टाइम्स इनको ये रैंक मिला हुआ, ये अवार्ड मिले हुए हैं। करेंटली सी इज होल्डिंग द ए प्रेस्टिजियस पोजिशन जिसको हम लोग कहते हैं 10 स्टार डायमंड डायरेक्टर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बिजनेस को लॉन्च किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकॉन्ग एंड साउथ कोरिया में, एक्सपेंशन इन्होंने काफी बढ़िया किया हुआ है अलॉन्ग विद दैट कंट्री, कैनेडा, मैक्सिको, जापान, फिलीपीन, ताइवान एंड नाउ इन इंडिया ऑल्सो। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट आवर लाइनो स्पॉन्सर, सो वी आर रियली एक्साइटेड कि सैटरडे को आप सब कोई मिलने वाले हो, इनके साथ रूबरू होने वाले हो और इनकी जर्नी जो है इन्हीं की जुबानी से आप सुनने वाले हो। तो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड टूडे एंड आप सबको उम्मीद करता हूँ इतने पेशेंस